हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पालक मशरूम बनाने वाले हैं फॉर वेट लॉस। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या क्या लिया है, अगर आप आज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। हमने आधा किलो पालक ले लिया है, उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये पालक हम कुकर में डाल देते हैं। पालक में हम 1 कप पानी डाल देंगे और कुकर में हम 3 विसिल लगाएंगे। कुकर में 3 विसिल आ चुकी हैं। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और पालक को चेक कर लेते हैं। पालक हमारा बॉइल्ड हो चुका है। अब हम ब्लेंडर से पालक को पीस लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप ठंडा होने पे मिक्सी में पीस लें। पालक हमने पीस लिया है। मशरूम को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने एक मशरूम में से 4 पीस किए हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं, लेकिन मैं जीरो ऑयल में बना रही हूँ। जीरे को भून लेते हैं अच्छे से। जीरा हमारा भून चुका है। अब हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे। 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया है, उसको भी डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। सिम फ्लेम पे भूनेंगे। 1 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से भून लेंगे पेस्ट को। पेस्ट हमारा भून चुका है। अब हम ये मशरूम भी डाल लेते हैं इसमें और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मशरूम बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसको ज़रूर खाया करें। और पालक भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे या फिर स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ढक के कुक कर लेते हैं 2-3 मिनट। 3 मिनट हम ढक के कुक कर लेंगे। 2-3 मिनट हमारे हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। मशरूम हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम पालक डाल देंगे मशरूम में, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी होता है पालक मशरूम, आप जरूर ट्राई करें इसको। 2 मिनट के लिए हम और कुक कर लेते हैं इसको। 2 मिनट हो चुके हैं हमारे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। पालक मशरूम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और बाउल में सर्व कर लेते हैं। पालक मशरूम हमारा रेडी है। अब आप ऐसे ही बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।